आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सच न्यू स्टफ हैपनिंग इन मुंबई. एकदम सिंपल चीज़ है लेकिन इट इज सो सो यूनिक. क्या मस्त लग रहा है यार ये, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे ऐसे भी कुछ कर सकते हैं. क्रेजी गुड, दे हैव इंस्टॉल्ड समथिंग न्यू ओवर हियर. ऐसा वर्ली सी फेस देखने को क्या मज़ा आता है रात को. कोई नहीं. What's up guys, welcome to a new video on the channel. Well, आज का वीडियो थोड़ा अलग है बिकॉज ऑब्वियसली मैं आज रात को शूट कर रहा हूँ. तो हाँ, नॉर्मली आई शूट वीडियोज़ ड्यूरिंग द डे, लेकिन आज सोचा मैं आपको थोड़ा रात को भी घुमा ले आऊँ. अरे ये क्या हो गया इधर? ओह हो, तो मैं अभी एकदम शान से निकला था घर से, यू नो, वेयरिंग जस्ट अ टी शर्ट. और मुंबई में इतनी गर्मी हो सकती है ये कभी, सॉरी गर्मी नहीं, मुंबई में इतनी ठंडी हो सकती है ये बिलीव करने को थोड़ा मुश्किल होता है. इसके लिए हम जैसे लोग टी शर्ट में ही निकल जाते हैं और बाहर आने के बाद लाइक वी स्टार्ट शिवरिंग. तो राइट नाउ आई एम शिवरिंग अ बिट. आई विश आई हैड वोन समथिंग, कुछ तो वैसे हुडी वुडी के जैसे, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं. अरे ये बिल्ली पागल हो गई क्या? रात को ना बहुत मन करता है कि बहुत स्पीड में चलाऊं, लेकिन आई कंट्रोल माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि क्या है ना, भरोसा नहीं है. देखो कैसे स्पीड ब्रेकर्स बीच में ही आ जाते हैं, या फिर कहीं पे रोड ऐसा खोदा हुआ रहेगा, खड्डे वड्डे आ जाते हैं. अभी जस्ट कुछ मिनट पहले बिफोर आई स्टार्टेड द कैमरा, देयर वाज अ ह्यूज पैच ऑफ रोड दैट वाज कम्प्लीटली रफ एंड विथ पॉट होल्स, ह्यूज ह्यूज पॉट होल्स, स्किड हुआ मैं. सो this is something I don't get to do during the day, and I'm keeping my fingers crossed क्योंकि वर्ली सी फेस पे ना, क्योंकि वर्ली सी फेस पे ना रात को दे मे बी पुलिस, ऑब्वियसली दे चेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल. ड्रिंक ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है ये वो सब, आई डोंट थिंक अभी करेंगे बिकॉज वी आर वे पास्ट द न्यू ईयर. तो लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते. तो यह भी यार, सो आई होप यू कैन हियर मी बिकॉज द विंड ब्लास्ट इज अ लॉट आई गेस, बिकॉज ये हवा भी चल रही है एंड आई एम गोइंग फास्ट ऑल्सो इन मुंबई टर्म्स, बिकॉज मुंबई में फास्ट जाना मतलब 50 and 60 is a lot of speed. ये देखिए, ये देखो, ये पुलिस है. दे आर कंटिन्यूसली, यू कैन से, बंदोबस्त पे चलते ही रहते हैं. ये वो अभी क्या कर रहे हैं, दे वो झांक रहे हैं. यहाँ पे कांच पाप रहते हो ना, एक एक कार में से झांक के देखते हैं कि कुछ चल रहा तो नहीं है ऐसे सब. अरे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. इस रोड पे ना आगे एक नया ट्रैफिक सिग्नल लगाया है. एटलीस्ट वो ट्रैफिक सिग्नल देख के लोग ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने के लिए मतलब थोड़े से प्रभावित हो, या आपको समझ जाएगा. व्हेन आई शो द ट्रैफिक सिग्नल टू यू, यू विल इंस्टेंटली रियलाइज, अरे दिस इज समथिंग न्यू. ये देखिए, ये वो ट्रैफिक सिग्नल है, शायद यही है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था यही था. यही इसी सिग्नल पे ना लाइट आती थी, अभी क्यों नहीं आ रही है पता नहीं. एक एलईडी एक लाइट थी, अभी कहाँ चली गई यार.
मे बी वो साइड से होगी। अरे बंद कर दिए, दैट्स सैड। सो इन द नाइट एवरीथिंग लुक्स सो डिफरेंट, एक अलग ही मज़ा आता है बाइक चलाने का। दिन में तो यू गेट लाइक फ्राइड लाइक अ कटलेट बिकॉज इट्स सो हॉट ऑल्सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, मतलब ये गर्मी हो या ठंडी हो। दोपहर का मौसम मतलब मुंबई में एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा 0.1% ठंडा हो। ओ पीछे, अरे आप देख रहे हो इस पे ऑन द रियर व्यू मिरर यू कैन सी द लाइट्स। पता नहीं वो क्या कैसे कौन से टाइम पे आते हैं क्या पता अभी। कोई बात नहीं, हम ऐसे यू टर्न लेके फिर से आते हैं और फिर से हम ट्राई करते हैं आपको दिखाने। राइट ले लेते हैं, सो कोल्ड ये भाई साहब मुझे जाने नहीं देंगे लगता है। अच्छा देंगे देंगे, जाने देंगे। सो गाइस दिस इज ऑब्वियसली यू सीन दिस इन माय वीडियोस, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। अरे बाप रे कितनी हवा चल रही है, मेरे मास्क लगाया फिर भी ऐसा मुंह में हवा जा रही है। अरे वो देखो, यू कैन सी दैट सिग्नल ओवर देयर, इट्स ग्रीन। वो देखो मैं आपको इसकी बात कर रहा था, तो ये कुछ ऐसे दे हैव इंस्टॉल समथिंग न्यू ओवर हियर, सो मस्त लगता है। नहीं सिग्नल, एटलीस्ट ऐसा सिग्नल देख के लोग सोचेंगे अरे रुकना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल पे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ये एक तरह से एक सेल्फी पॉइंट ही बन जाएगा लोगों के लिए। मैं ऐसे खड़े रह जाता हूँ, ये देखिए। सो दिख रहा हूँ क्या मैं, कहाँ से लूँ मैं, यहाँ से ले लेता हूँ। अभी लाल हो गया, तो मैं ऐसे एक बच्चे जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन यू नो ऑल माय लाइफ। बाय द वे ये देखिए रास्ता, कोई नहीं, ऐसा वर्ली सी फेस देखने को क्या मज़ा आता है रात को। तो आई होप इधर कैमरा नहीं है, नहीं तो मेरी तो ये लोग पहले फ़ोटो निकालेंगे। नहीं भाई मेरे को नहीं करना है ऐसे, तो फिर भी मैं एक ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं और एक बार। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी सच न्यू स्टफ हैपनिंग इन मुंबई। एकदम सिंपल चीज़ है लेकिन इट इज सो सो यूनिक, समथिंग वेरी नाइस। एक छोटी सी LED स्ट्रिप कितना बड़ा फ़र्क कर देती है। तो ये यहाँ पे भी है और शायद आगे के साइड भी है, तो हम जाते हैं आगे, देखते हैं मिलते हैं क्या वो। सो गाइस होली सीसेस कितना मस्त लगता है रात को, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। यू लाइक दिस लिटिल न्यू एडिशन, सिंपल सी चीज़ है लेकिन काफ़ी मज़ेदार लगती है। वाह, एंड ऑब्वियसली ये कौन सी बिल्डिंग है आपको पता ही है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। और इनका आई थिंक डे एंड नाइट काम चलते रहता है मुंबई कोस्टल रोड का, और बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं भाई। मैं क्योंकि मैं इनके एक मजदूर से भी बात किया, 12 आवर ड्यूटी, सोचो आप, मतलब इट्स सो डिफ़िकल्ट। और रात को भी लोग काम करते हैं। तो अभी इस सिग्नल पे नहीं है LED लाइट, ऐसे क्यों, सोचो सोचो। ऐसे इसलिए है कि वो जो सिग्नल था उस सिग्नल के बाजू में किसका घर था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, वो सिग्नल के बाजू में
ईशा अंबानी का घर था। अरे भाई रे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, इज नो वन ऑन द रोड। मुझे एक्चुअली ना, मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि मैं कैसे वाइजर लगा दूँ, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से आ रही है। आई डोंट नो कितना ऑडियो पिकअप होता रहेगा कितना नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़ोर का विंड ब्लास्ट आ रहा है। आई डोंट नो ये आवाज़। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, दिस प्लेस, एज यू कैन सी देयर इज नो वन हियर, देयर आर हाई चांसेस दैट पुलिस मे बी स्टैंडिंग ओवर देयर। एनीवेज, मैं अभी चुप बैठता हूँ और चलाता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि विंड ब्लास्ट की वजह से आपको कुछ क्लियरली सुनाई देता होगा। अगर देता होगा तो अच्छा है। चलो, इधर थोड़ी देर उतरूँ क्या, थोड़ा सा एक मज़ेदार सीन हो जाए, मज़ा आ जाए थोड़ा। पुलिस नहीं आनी चाहिए यार। हियर इट इज, कुछ दिख रहा है गाइस? इट डजंट सीम दैट एनीथिंग इज विजिबल, बट बहुत अंधेरा है यहाँ पे। और ये भी ब्रिज भी एकदम ही कम लाइट, क्यों ऐसे? मतलब देयर वाज दिस रियली नाइस लाइटिंग ऑन द ब्रिज, आई थिंक वो स्पेशल ओकेजंस पे ही होता है, जैसे दिवाली एंड ऑल। तो यहाँ पे देखिए पुलिस आते हैं। सो यहाँ पे पूरा लाइक सिक्योरिटी ज़बरदस्त है रात के टाइम पे। सो दैट इज़ अ थिंग, जस्ट मेक श्योर कि कोई यू नो दे आर नॉट अप टू एनीथिंग दैट प्रमोट्स न्यूसेंस ओवर हियर। तो यहाँ पे तीन डंडे वाले आए। सो एनीज, हम निकलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था, आपको पता नहीं कैसे दिखेगा। इट्स क्रेजी मैन, रात को आने का जो मज़ा है ना, अरे क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ नया इन्होंने किया है। तो प्रोहिबिटेड एरिया, डिफेंस लैंड, प्राइवेट व्हीकल्स आर द स्टॉप एट द गेट्स फॉर सिक्योरिटी चेक्स, इंडियन नेवी, दिस इज समथिंग न्यू। अरे रोड का तो देखा ही नहीं मैंने, वाओ दिस लुक्स अमेजिंग यार। बंद करता हूँ। लुक्स रियली गुड, लुक एट दिस। तो दे हैव पुट इट अक्रॉस दिस एंटायर, यू कैन से ये जो जंक्शन है ना, उसके ऑल राउंड उन्होंने ये किया है। क्या मस्त लग रहा है यार ये, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अमेजिंग। अगर ये पूरा इन्होंने हर जगह कर दिया, पूरा मरीन ड्राइव पे और यू नो वर्ली सी फेस पे, वाओ इट लुक्स सो क्रेजी गुड, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग। I'm really enjoying this little addition they have done over here. So, ऐसा था, you know, रात का नज़ारा, guys. I hope you are enjoying it. So, unfortunately, we have a signal. से भी नो एंट्री है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर। सो हियर वी आर, ओप्स, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। दिस इज अ ह्यूज मेटल शीट, इसके नीचे क्या होगा भगवान जाने, ना बड़ा गड्ढा रहेगा नीचे, पता है क्या क्या, आई डोंट नो कुछ तो सिस्टम रहेगी नीचे। एंड ये दिन में ये बिल्डिंग कितनी अलग दिखते हैं, और रात को देखो, रात को ऐसे लगता है कि मतलब कोई ऐसी एलियन बिल्डिंग लगती है रात को। इमेजिन करो ये बिल्डिंग में अगर उन्होंने ऐसे एलईडी लगा दी ऐसी, अरे अरे मतलब अर्थ को आया तो कितने मस्त लगेगी। अरे क्या मैं अकेले ही सिग्नल पे हूँ? एनीवेज, रात को तो यू नो पीपल जस्ट डोंट केयर, कैसे भी चलाते हैं। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, बिकॉज एट नाइट आर द रूल्स एप्लीकेबल? क्योंकि ये देखो, मतलब कोई भी जाता है, कैसे भी जाता है,
मतलब इट इज समझ नहीं आता कि मतलब कितने बजे के बाद हम रूल्स फॉलो नहीं किए तो चलेगा। बिकॉज ऐसे ही दिख तो रहा है मुझे, बिकॉज ये सब लोग आराम से हार्डली 10-20% लोग दे डोंट यू नो ब्रेक द रूल्स। अभी यहाँ पे भी अगर मैं लगाऊंगा तो काफ़ी सारे लोग क्रॉस करके चले जाएंगे, या फिर नहीं भी, क्योंकि आगे पुलिस है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे पुलिस है। सो लाइट दिखी कि वो लोग आजू बाजू के पीछे वाले सारे लोग चुप बैठ जाते हैं एक ही जगह पे। सो आई एम प्लानिंग टू एक्सेलरेट फ्रॉम हियर मे बी टिल शिवाजी पार्क, आई डोंट नो। सो felt good after a long time I did that, and it felt really amazing. अगर मैं सिग्नल सपोज ब्रेक कर लेता था तो मैं डायरेक्ट दादर पहुंच जाता था क्या बोले अभी, बट आई वोंट, आई विल नॉट। चलो सिद्धिविनायक वीडियो बनाया आप देख लीजिए। सो एनीवेज गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन डेफिनेटली लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना ये वीडियो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, चैनल के लिए अच्छा होगा। ये है ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। So hope you love this video.